ये अपना कोटिंडो टाइप पे प्रोडक्ट है जो ऑलरेडी आपके यहाँ इंस्टॉल है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आ रही है कि छींटे आ रहे हैं सेंस पार्ट, ये क्या अपना सेंस पार्ट है, ये सील्ड है, ग्राउंड है, ये सेंस पार्ट, ये फिर ये 20 mm का रहता है जो मटेरियल को सेंस करता है। और इसके अलावा अपन इलेक्ट्रॉनिक में देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक साइड इधर कवर, अनकवर, कैलिब्रेशन और फेल सेफ, ये 4 पॉइंट होते हैं और 4 इसमें डीप स्विच होते हैं, एक हमारे इंटर बटन होती है जिसे हम कैलिब्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। अभी अपने को जस्ट क्या है कि जैसे छींटे आते हैं तो तुरंत ही क्या मटेरियल स्विचिंग कर जाता है, जैसे कुछ मटेरियल आया और ये अलार्म कंडीशन में गया, रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसा कंडीशन हो रहा है जब कोई मटेरियल आता है। तो अपन जस्ट इसके लिए क्या करते हैं कि अपना कवर का एक टाइम डिले होता है और अनकवर एक दूसरा टाइम डिले होता है, तो अपन कवर यानी मटेरियल जब आया उस वक्त का कैलिब्रेशन कवर डिले रहता है। अपन इसको जस्ट क्या करते हैं, इसको लेफ्ट साइड अपन ने मूवमेंट किया ओनली कवर वाली बटन को, और इंटर बटन को जितने सेकंड रेड इंडिकेशन ब्लिंक करेगा उतने सेकंड का इसमें डिले डल जाएगा। तो अपन अभी 10 सेकंड का डिले डालना है, जो 10 सेकंड का आपको भी डिले डालना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 सेकंड का डिले हो गया। और इसके बाद क्या करेंगे, इसको वापस से उसी पोजीशन में राइट साइड कर देंगे, और जैसे कि अपन हाथ से इसको टच करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 में क्या अलार्म कंडीशन में स्विचिंग आ गया, ठीक है, और ये जस्ट किए तो वापस नॉर्मल हो गया। अब जब भी कोई आपका मटेरियल आता है, कोई भी के छींटे आते हैं सेंसर के ऊपर, ये पेंट के कुछ भी अगर केमिकल का छींटे आते हैं, तो जैसे ही आएंगे तो स्विचिंग नहीं करेगा, ये आगे डिले में मोड में चला जाएगा। तो 10 सेकंड तक अगर ये बीच में मटेरियल आपका छींटा हट गया तो वापस ग्रीन हो जाएगा, जैसे मटेरियल आया स्विचिंग नहीं करेगा, ये डिले में जाएगा और ये हटेगा। अगर कोई 10 सेकंड तक एक्चुअल में आपका जब मटेरियल आ जाएगा, क्योंकि जब आने के बाद वो अगर 10 सेकंड तक इसमें डिले मोड में जाता है, अगर मटेरियल आ चुका है आपका, तो ये 10 सेकंड तक कंटिन्यू ब्लिंक करेगा और 10 सेकंड बाद आपका ये अलार्म मोड में जाएगा जब आपका मटेरियल आएगा, ओनली फिर ये मटेरियल को ही सेंस करेगा और ये छींटा को बाईपास कर देगा, ये इस कंडीशन में अलार्म मोड में नहीं जाएगा। ओके, थैंक यू।